जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल NextM में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश बेस के अंतर्गत पे उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड बेस के अंतर्गत पे यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। ठीक है, लगभग 91 पोस्ट है। क्या चीज़ आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट है, किसके लिए वैकेंसी है, पूरा इन्फॉर्मेशन सॉलिड रूप से कम समय के अंतर्गत इस वीडियो के अंतर्गत हम जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे चैनल NextM को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट हो, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। ज़्यादा टाइम न लेंगे, सीधे बात करने की कोशिश करेंगे टू द पॉइंट की ओर पर। ठीक है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बेस के अंतर्गत पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, इसका है 19C हो गया, तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स विधानसभा मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश 22600001, इसका क्या है पिन कोड नंबर है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों पर कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती है, तो नोटिफिकेशन 2023 के बेस में अपडेट किया गया है। ये अपडेट किया गया 19 दिसंबर 2023 को। देख लेते हैं पॉइंट किसकी बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया कुशल खिलाड़ियों की भर्ती एवं बिना पारी पदोन्नति नियमावली 2021 के अधीन उत्तर प्रदेश पुलिस के कुशल खिलाड़ी के कोटे में वेतन पे एक्सेट्रा जो भी है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 91 पदों पर भर्ती है, तो ऑनलाइन आवेदन यहां पर आमंत्रित किया गया। कुशल खिलाड़ी के कोटे के इन 91 पदों के सापेक्ष 56 मेल के लिए और 35 फीमेल कुशल खिलाड़ियों का चयन निम्नवार किया जाएगा। ठीक है, जो स्पोर्ट्स बेस के अंतर्गत पे है, तो क्या क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। मेल और फीमेल का हमने बात कर ली है, कितनी वैकेंसी बेस है, 91 है, जिसके अंतर्गत पे सबसे पहले है वाटर स्पोर्ट्स बेस के अंतर्गत पे, मेल के अंतर्गत पे 6 है, फीमेल के अंतर्गत कोई वैकेंसी नहीं है। और वॉलीबॉल के अंतर्गत पे मेल पे 2 पोस्ट है, फीमेल पे भी 2 पोस्ट है, 2 पोस्ट इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है। फुटबॉल के अंतर्गत पे 2 मेल और फीमेल के लिए कुछ नहीं है। कबड्डी के अंतर्गत पे 2 मेल 2 फीमेल है। उसके बाद में साइकिलिंग के लिए 1 मेल के लिए है, फीमेल के लिए कुछ नहीं है। बास्केटबॉल के लिए 2 मेल 2 फीमेल हो गया। और उसके बाद में टेबल टेनिस के लिए 1 मेल 1 फीमेल है। और उसके बाद में बैडमिंटन के लिए 1 मेल और 1 फीमेल हो गया। और उसके बाद में क्रॉस कंट्री के लिए 1 मेल 1 फीमेल है। और उसके बाद में तीरंदाजी के लिए 2 मेल 2 फीमेल पोस्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद में जिमनास्टिक के लिए 3 मेल और 3 फीमेल के लिए वैकेंसी है। और भारतोलन के लिए 3 मेल के लिए और 2 क्या है फीमेल के लिए यहाँ पर पोस्ट है। फिर उसके बाद में वुशु के लिए 2 क्या है मेल के लिए और 1 क्या है फीमेल के लिए। और उसके बाद में जूडो के लिए 2 मेल और 2 फीमेल पोस्ट है फीमेल के लिए। बॉक्सिंग के लिए 2 मेल और 2 फीमेल है। और उसके बाद में एथलेटिक्स बेस के अंतर्गत 6 मेल के लिए और 6 फीमेल के लिए वैकेंसी यहाँ पे है। और तैराकी के लिए 2 मेल और 2 फीमेल के लिए वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद में 18वें नंबर का शूटिंग का, तो शूटिंग के अंतर्गत क्या है कि यहाँ पर 3 मेल 3 फीमेल के लिए है वैकेंसी, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे। और उसके बाद में कुश्ती के लिए 4 मेल और 2 फीमेल के लिए है। उसके बाद में कराटे टीम के लिए 2 मेल हो गया 1 फीमेल के लिए, हॉकी और 4 मेल के लिए, और सेपक टकरा के लिए 3 क्या है मेल के लिए वैकेंसी, फीमेल के लिए कुछ नहीं। टोटल मेल के लिए 56 हो गया और फीमेल के लिए 35 होगी वैकेंसी। टोटल कितने 91 पोस्ट है इसके अंतर्गत पे ली गई है। ठीक है, ये चीज़ भी आपने देख लिया होगा। थोड़ा थोड़ा सा की पॉइंटों को आप लेते चलना। जैसे आवेदन की बात करेंगे तो आवेदन प्रारंभ होने की तिथि, देखिए ये आवेदन आरंभ हो चुका है 20 दिसंबर 2023 से, और लास्ट डेट है इसका 9 जनवरी 2024। ठीक है, आवेदन शुल्क जमा करने का जो अंतिम डेट है, कब तक आप जमा कर सकते हैं इसके अंदर, 11/1/2024 तक। मतलब आप क्या कर सकते हैं 11 जनवरी 2024 तक अपना फीस पेमेंट इसके अंतर्गत पे कर सकते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन इसके अंतर्गत पे क्रिएट नहीं होना चाहिए आपका। देखिए आवेदन बेस के अंतर्गत पे जैसे कि यहाँ पर कहा गया है, क्या लिखा गया है, इन भर्ती प्रक्रिया हेतु सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया गया है। आवेदन शुल्क संबंधित जनपद में भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में चालान के माध्यम से लेखा शीर्षक बेस के अंतर्गत पे क्या है ये नंबर है पर जमा किया जाएगा। शुल्क जमा किए जाने हेतु चालान का प्रारूप परिशिष्ट 1 के रूप में संलग्न किया जाएगा। ठीक है, इसका चालान जो होता है स्टेट बैंक के इसके अंतर्गत आपको चालान लगवा लेनी है। कुशल खिलाड़ी भर्ती हेतु राष्ट्रीय नेशनलिटी की बात कही गई है, अभ्यर्थी को भारतीय नागरिक होना चाहिए। शैक्षिक अर्हता इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात कही गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो ये चीज़ देख लेते हैं क्या कहा गया है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष से कोई परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। और इसके अंतर्गत तो कुछ पॉइंटों की बात कही गई है, उस चीज़ को भी आपको ध्यान लेना। आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अवश्य धारित करना चाहिए। मतलब जिस डेट बेस के अंतर्गत पर आपको फॉर्म भरना है उस डेट तक आप ग्रेजुएशन होने चाहिए, नहीं तो आप इनवैलिड माने जाएंगे। आवेदन दूसरा पॉइंट है, आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षणिक अर्हता की यथार्थता शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व
अभ्यर्थी का होगा इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, ए पॉइंटिंग वे इसके अंतर्गत पे और दिया गया इसके अंदर बी पॉइंट की बात करी गई है। यहाँ पे क्या है कि यदि किसी अभ्यर्थी खिलाड़ी को उत्कृष्ट खेल उपलब्धि के आधार पर भर्ती किया जाता है किंतु वह संबंधित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पूर्ण नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उसे शर्त के साथ भर्ती किया जा सकता है कि वह भर्ती नियुक्ति के दिनांक से 5 वर्ष में न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पूर्ण कर लेगा। इस अवधि में उसकी नियुक्ति परिवीक्षाधीन मानी जाएगी। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा इसके अंदर में, तो सिलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद में उसको क्या करना पड़ेगा, 5 साल का टाइम दिया जाएगा, उसके अंदर आपको ग्रेजुएशन जो इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन मांगा गया वो कंप्लीट करनी होगी। परंतु यह है कि उक्त अवधि में न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पूर्ण न कर पाने की स्थिति में उसे सेवामुक्त कर दिया जाएगा। अगर वो अपना क्वालिफिकेशन पूरा नहीं करता है 5 साल के टाइम के बेस के अंतर्गत तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। ये चीज़ भी देखना। खेल संबंधी अर्हता की बात कही गई है यहाँ पर, ये चीज़ भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कोई खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय ओलंपिक संघ एवं उससे संबद्धता प्राप्त खेल परिसंघों द्वारा आयोजित सीनियर अथवा जूनियर प्रतियोगिताओं अथवा अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड के संरक्षण में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिताओं अथवा अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं जिनकी मुख्य खेल विधाओं का विवरण इस विज्ञप्ति के प्रशस्त बेस के अंतर्गत 1.2 में अंकित है, में विज्ञप्ति भर्ती वर्ष के विगत 2 वर्षों में पदक अर्जित किया हो या प्रतिभाग किया हो तथा जो निम्नलिखित न्यूनतम अर्हताएँ धारित करता है ऐसी भर्ती के लिए पात्र होगा, विगत 2 वर्षों की गणना आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान देना। न्यूनतम अर्हता की बात कही गई है, श्रेणी ग्रह के अधीन सीनियर स्तर की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसी व्यक्तिगत टीम स्पर्धा में कोई भी पदक अर्जित किया हो अथवा श्रेणी ग्रह के अधीन किसी अन्य प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अर्जित किया हो अथवा श्रेणी ग्रह के अधीन किसी व्यक्तिगत खेल स्पर्धा में पदक प्राप्त किया हो अथवा टीम स्पर्धा में क्या क्या हो गया हो प्रतिभाग किया हो अथवा श्रेणी ख के अधीन किसी खेल स्पर्धा में प्रतिभाग किया हो। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। श्रेणी क के अंतर्गत पे यहाँ पर ये चीज़ें श्रेणी बी के अंतर्गत पे यहाँ पर बांटा गया है और बी है सी है उसके बाद में क ख ग और घ के अंतर्गत पे, ये चीज़ भी ध्यान रखना। ठीक है, श्रेणी आप देख लेना इसके अंदर में कौन कौन सा है। ओलंपिक गेम श्रेणी फर्स्ट के अंतर्गत पर ओलंपिक गेम्स हो गया, विश्व चैंपियनशिप और विश्व कप है, उसके बाद में श्रेणी बी है, श्रेणी सी है और उसके बाद में डी है, आप देख लेना क ख ग घ करके अलग अलग श्रेणी बांटा गया है। एज लिमिट की बात करेंगे, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को न्यूनतम 21 वर्ष की आयु कर ली हो और 27 वर्ष अधिकतम हो 1/7/2023 के बेस के अंतर्गत पर आपका एज लिमिट लिया जाएगा। आदेशानुसार न्यूनतम आयु में 2 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, अर्थात अभ्यर्थी का जन्मतिथि 2/7/1996 से लेकर 1/7/2004 के बाद न हो, इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए जहां पर 2 साल का एज लिमिट पर छूट दी जानी है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। वैवाहिक स्थिति की बात कही गई है, ऐसा कोई पुरुष महिला खिलाड़ी जिसने किसी ऐसी महिला पुरुष से विवाह किया हो या संविदा किया है जिससे पूर्व से ही एक पति या पत्नी हो, और उसके बाद में दूसरे पॉइंट की बात कही गई है, जिसकी पति पत्नी जीवित होते हुए उसने किसी ऐसी महिला पुरुष से विवाह किया हो या संविदा किया हो तो उक्त सेवा में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। शारीरिक स्वस्थता का आपको ध्यान रखना है। भर्ती प्रक्रिया की बात करेंगे तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस कुशल खिलाड़ी की भर्ती एवं बिना पारी पदोन्नति नियमावली 2021 के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन है। ठीक है ना, भर्ती की जो प्रक्रिया, अब आप कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट मत होना। जैसे यहाँ पर कहा गया है विभिन्न खेल स्पर्धाओं में फिजिकल की माप लेनी है यहाँ पर, तो आपका क्या होगा, विभिन्न खेल स्पर्धाओं में कुशल खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर सीधी भर्ती है तो अभ्यर्थी खिलाड़ी किसी भी शारीरिक परीक्षण ऊंचाई सीने की माप वजन से मुक्त होगा। और खेल के कौशल की बात करेंगे तो यहाँ पर खेल कौशल परीक्षण जो होना है यहाँ पर उपयुक्त बेस के अंतर्गत 50 अंक अथवा अधिक होगा और अनुपयुक्त बेस के अंतर्गत 50 अंक से कम होगा। ठीक, ये चीज भी आपको इसके अंतर्गत पर ध्यान रखना, थोड़ा सा की पॉइंटों को आप पढ़ लेना। और खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा, यह चरण 20 अंकों का होगा जो आपके पास में खेल प्रमाण पत्र संबंधी इसके अंतर्गत पर इंक्लूड हो जाता है। अंकों के विभाजन की बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा होगा 100 मार्क्स बेस के अंतर्गत पर ये वाले पॉइंट है, तो खेल कौशल परीक्षण में 80 मार्क्स का है, उसके बाद में खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा 20 मार्क्स का, टोटल कितना हो गया 100 मार्क्स इसके अंतर्गत पर भी इंक्लूड किया जाता है। खेल कौशल परीक्षण समिति द्वारा लिया जाने वाला परीक्षण तथा चयन समिति द्वारा परीक्षण के समय दिए जाने वाले अंकों का मानक पूर्णांक 100 का विवरण निम्न होगा, इस प्रकार के बेस के आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और खेल प्रमाण पत्र संबंधी 20 मार्क्स इसके अंतर्गत पे इंक्लूड होना है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा, चयन सूची बेस बनेगी आपकी इसके साथ साथ में, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। और जैसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट संबंधी हमने यहाँ पर बात कर ली है, अगर आपको फॉर्म भरना है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको क्लिक करनी है। अभ्यर्थी को बोर्ड की वेबसाइट HTTP HyperText Transfer Protocol होता है, UPPB
पीबी, और उसके बाद में क्या किया गया, pb.gov.in पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट को क्लिक कर अपना उसके बाद में आवेदन कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट इसके अंतर्गत पर इंक्लूड किया गया इनके द्वारा, ठीक है। अब आपको कोई कन्फ्यूजन मत होना कि कौन सा है, क्या चीज़ है, क्या यहाँ पर नहीं करनी है। वैसे तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश बेस के अंतर्गत पर नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट था, जिसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कुशल खिलाड़ियों के लिए 91 पोस्टों के लिए जो यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया था, मेल और फीमेल कैटेगरी बेस के अंतर्गत पर जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पर आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत पर कंप्लीट रूप से आप इन्फॉर्मेशन समझ गए होंगे। यदि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।